बिहार में एक तरफ अमित शाह आए हुए हैं तो दूसरे तरफ पूर्व मंत्री श्याम रजक ने सीधे तौर पे धोबी अधिकार रैली करके ये बता दिया है कि बिहार में उनकी ताकत क्या है। जिस तरीके से पटना के मिलर हाई स्कूल में जो भीड़ जुटी हुई है, तो दूसरे तरफ धोबी अधिकार रैली के बैनरों में जिस तरीके से नेताओं की एकजुटता दिख रही है, उसका मकसद साफ है। आप तस्वीरें देखिए, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे ये तस्वीरें लगी हुई है, जहां पूर्व मंत्री श्याम रजक के द्वारा यह पोस्टर लगवाया गया है, धोबी अधिकार रैली। और इस पोस्टर में जो तस्वीरें लगाई गई है, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रमुखता से रखा गया है, उसके बाद तमाम जो लोग हैं उनकी तस्वीरें। बिहार की सियासत में धोबी समाज से आने वाले जो लोग हैं, पिछड़ा समाज से जो आने वाले लोग हैं, उन सब की तस्वीरें लगाई गई है। और सबसे पहले राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक हिस्सेदारी हेतु ये आंदोलन, ये रैली, इसका मकसद साफ है। और ये मकसद सीधे तौर पर बता दिया गया है कि ये मकसद है राजनीतिक तौर पर उचित भागीदारी का, प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी का, सामाजिक हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये रैली किया जा रहा है। और इसमें अपने अधिकार की बात धोबी समाज के लोग करेंगे। धोबी समाज के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है और इसकी थीम भी सीधे तौर पर रखा गया है कि धोबी अधिकार रैली, यानी धोबी समाज का जो अधिकार है उसकी बात हो और उस अधिकार के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाए। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, श्याम रजक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सीधे तौर पे आज पटना के मिलर हाई स्कूल में यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दल का समर्थन भी मिलते हुए साफ दिख रहा है। श्याम रजक आरजेडी से जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार के कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे, बिहार में इनकी एक अलग सियासी पहचान है। और इसके अलावा जो अन्य तस्वीर है वो दूसरे तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की है, उनका भी समर्थन इसमें साफ मिलते हुए दिख रहा है। बीजेपी की जो नेता हैं बेबी कुमारी, जो विधानसभा का चुनाव लड़ी है, उनकी भी तस्वीर है। और देखिए किस तरीके से पटना में ये जगह जगह बुल्लू झंडे से ये संदेश साफ दिया जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी। ये ABDM का ये झंडा सीधे तौर पर ये एहसास करा रहा है, ये बता रहा है कि पटना में धोबी महासभा के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन से उन तमाम लोगों को एक संकेत दिया जाएगा जो अधिकार की बात श्याम रजक कर रहे हैं, वो अधिकार वो लेके रहेंगे। देखिए बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिया गया है पटना के दौर पूरे सड़कों पे, और हर जगह दो ही झंडा दिख रहा है, एक ब्लू और दूसरा भगवा। लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम के बीच श्याम रजक का जो धोबी अधिकार रैली है उसकी तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से इस सम्मेलन को लेकर जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। सीधे तौर पर राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर धोबी अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं और ये अधिकार के लिए श्याम रजक ने बिहार में बिगुल फूंक दिया है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय धोबी महासभा के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पटना जिला रजक समिति, गड़ंगे संस्थान बिहार, मगधीय रजक कल्याण संघ पटना सिटी, तमाम जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम के समर्थन में मौजूद हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।